पीड़ित पहुंचे एसपी दरबार, नहीं हो रही है सुनवाई। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां पीड़ित को न्याय न मिलने लेकर के आज एसपी के दरबार में पहुंचे हैं। यहां एसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, मैं देवानंद यादव, ग्राम सरवा, थाना सरा लखनसी, जनपद मऊ का रहने वाला हूँ। मैं वर्तमान समय में रेलवे सुरक्षा बल में प्रयागराज में कार्य कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा भतीजा दिनांक 6/7/2024 को शर्मा औद्योगिक नव शिक्षायतन केंद्रीय विद्यालय के पीछे अपने खेत में धान रोपाई के लिए देखने के लिए गया था। इसको गांव के पांचू यादव, जोगिंदर यादव और उनके साथ 6 लोग और मिलकर इसको घसीट घसीट कर मारते रहे। जब तक मारते रहे कि बेहोश न हो गया, तब तक इसको नहीं छोड़े। हम लोग इसको लेकर के FIR थाने में, थाने सारा लखनसी में दिया गया है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, नहीं FIR हुआ है, मेडिकल हुआ है। आप SP ऑफिस आए, क्या मामला है? SP ऑफिस में आज SP साहब को आवेदन दिया गया है। हम चाहते हैं कि इसमें FIR दर्ज हुआ हो उनके विरुद्ध। तो थाने से कोई सुनवाई नहीं? थाने से कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो क्या मांग करते हैं? हम थाने से मांग करते हैं कि FIR दर्ज किया जाए उन आठों के विरुद्ध जो उपद्रवी हैं। SP साहब क्या आश्वासन? आश्वासन दिए कि एक दिन में इसकी जाँच करा के मैं आपको बताता हूँ। अभी तक जो है सब मामला लंबित है। थाने से हम लोग बिल्कुल त्रस्त हैं, सब रफा दफा कर देते हैं। हमको, हमारे परिवार को सुरक्षा चाहिए। ये हत्या करा देंगे किसी दिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी बार मारे तो इस मतलब थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई जी? नहीं, ये रोला पहले भी आवेदन दिया गया, इसको रफा दफा करके, ये जमीनी मामला है, इनका कुछ नहीं है, ये करके के इसको निस्तारण कर देते हैं। जमीनी मामले से नहीं, जमीनी मामला वहाँ कुछ नहीं था। जो 7 तारीख की घटना हुई उसमें जमीन से कोई भी मामला नहीं था उनका। पहले से कोई विवाद था? पहले से उनके मन में रंजिश थी कि इस बच्चे को पर निगाह बनाए थे कि इसको मारेंगे। अब इसको लेकर जी इन्होंने बच्चे को मारा उस दिन से घसीट घसीट कर। जब तक ये लड़का बेहोश नहीं हो गया तब तक मारते रहे और थाने पर तब तक अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है।